हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद ट्रिक। तो आज के लेक्चर में हम आपको जो बताएंगे रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के बारे में आज के लेक्चर में हम जो चर्चा करते हैं। रक्षाबंधन, रक्षा यानी रक्षा और बंधन माने भाई और बहन के बीच का बंधन, यानी भाई जो है अपनी बहन की रक्षा के लिए अपने हाथ पर जो है कलाई बंधवाता है, या बहन अपने भाई के हाथ की कलाई पर अपनी रक्षा के लिए जो है एक धागा बांधती है, जिसे हम क्या कहते हैं, राखी के नाम से उसे जानते हैं। तो आज हम रक्षाबंधन के ऊपर जो है चर्चा करते हैं कि इसमें जो हम यूज करते हैं, जिन वस्तुओं का इसमें जो है रक्षाबंधन के टाइम जो यूज करते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, या किसी जो है भाई बहन को, बहन भाई को हिंदी या इंग्लिश में कैसे विश करते हैं, कैसे विश करना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है। तो आज इसी टॉपिक पर जो हम बात करेंगे। फर्स्ट हमारा प्यूरिफिकेशन सेरेमनी। प्यूरिफिकेशन सेरेमनी क्या है, यानी आरती। आरती को जो है प्यूरिफिकेशन सेरेमनी कहते हैं, जिससे बहन अपने भाई की आरती करती है, तो उसे प्यूरिफिकेशन सेरेमनी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रिस्ट। रिस्ट माने क्या होती है, कलाई। यानी बहन भाई के हाथ पर, जिस हाथ पर जो है राखी बांधती है, उस हाथ के उस जगह को क्या कहते हैं, हम रिस्ट। रिस्ट माने क्या होती है, कलाई। सिबलिंग बैंड। सिबलिंग बैंड किसे कहते हैं, राखी। यानी राखी को हम जो क्या कहते हैं, सिबलिंग बैंड। थ्रेड। थ्रेड माने क्या होती है, डोरी। डोरी को क्या कहते हैं, हम थ्रेड। फॉर हेड। फॉर हेड माने क्या, माता। यानी आगे, यानी इससे जो हम क्या कहते हैं, फॉर हेड कहते हैं। एनोइट। एनोइट माने तिलक। यानी माथे पर जब रेड कलर का कोई जो शाइन होता है, जिसमें चावल लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एनोइट। एनोइट माने क्या होता है, तिलक। सिबलिंग फेस्ट, ये क्या है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को क्या कहते हैं, हम सिबलिंग फेस्ट, यानी भाई बहन का त्योहार। सिबलिंग्स। सिबलिंग्स माने भाई बहन। यानी सिबलिंग, सिबलिंग्स माने क्या होता है, भाई बहन। गिफ्ट, जिसमें देता है, जिसमें भाई बहन को कुछ देता है, उसे क्या कहते हैं, हम गिफ्ट के नाम से उसे जानते हैं। अब देखते हैं कि भाई बहन को या बहन भाई को जो है इंग्लिश में कैसे विश करते हैं, या हिंदी में कैसे उन्हें विश करना चाहिए। बढ़ते हैं कि बहन भाई को या भाई बहन को जो है इंग्लिश या हिंदी में कैसे विश करते हैं, या उन्हें जो कैसे विश करना चाहिए, अब जो इसी पे जो है बात करते हैं। जैसे विशिंग यू ए वेरी हैप्पी रक्षाबंधन, आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड नेक्स्ट हमारा आई एम लकी टू विश यू ऑन दिस डे हैप्पी रक्षाबंधन, मैं इस दिन आपको शुभकामनाएं देता हूं, या मैं इस दिन आपको शुभकामनाएं देती हूं। एंड नेक्स्ट हमारा मे ऑल योर विशेस कम ट्रू एंड मे ऑल योर डेज बी फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो और आपके सभी दिन आनंद और खुशियों से भरे रहें। तो आप अपने भाई को या भाई अपनी बहन को जो है इंग्लिश या हिंदी, यानी बहुत लैंग्वेज में जो है ऐसे विश करना चाहिए। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में बेल आइकन आ रहा है तो इस पर जो घंटे पर जो है क्लिक कीजिएगा, ताकि हम जो अपनी जो कोई से वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और आप जो उस वीडियो को अपनी जो डेली लाइफ में जो है उसका यूज करें और अपनी पर्सनैलिटी को पहले से ज़्यादा जो है इम्प्रूव करें। तो गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।